हैं हम लोग, समझना क्या होता है उसको, रहता हमने क्या किया अच्छा काम कर। तो मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं व्लॉग इस्लाम चैनल। नाज़रीन फिर से मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया था कि आपको मैं लाइव आने वाला हूँ, तो उसी वादे के मुताबिक मैं आ गया। तो इंस्टाग्राम में अक्सर लोग पूछते हैं कि आप लाइव आने से पहले बताते क्यों नहीं। इंस्टाग्राम में मैं बता देता हूँ, जब भी लाइव आना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें तो आपको पता चल जाएगा, हर अपडेट मिल जाएगा आपको कि मैं कब कहाँ से लाइव आने वाला हूँ। हाफिज़ आमिर कादरी और वी लव इस्लाम दीन, ये दोनों जो हैं इंस्टा आई डी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन मैं मौजूद हूँ बेंगलोर की ही सरजमीन पर, जो फेमस टाउन है एलहंका। तो एलहंका के करीब में, एलहंका से लगा हुआ या फिर एलहंका के अंदर ही एक छोटा सा एरिया है जिसे एम एस पांड्या कहा जाता है। तो एम एस पांड्या में एक दरगाह शरीफ है जिस जो हज़रत मदार शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। तो यहाँ पर मैं हाजिर हूँ, मगरिब का वक्त करीब है, तो ये वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द दुरूद और सलाम पढ़ लेंगे, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको मुख्तसर इसकी बाहर से ज़ियारत करवा दूँगा, लाइव हो गए, मुख्तसर आपको मैं इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवा दूँगा। तो कई कमेंट्स आ रहे हैं, सलमा सलमान कमेंट के वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मोहसिन चौधरी ने कमेंट किया वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल हसन ने कमेंट किया वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन चलिए दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। तो ये बाहर का कुछ ऐसा हिस्सा है, तो ये जो है मेरे साथ हमारे खिज़र भाई आज के सफ़र में हैं, और इनके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं मेरे साथ जो हैं दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ अकीदतमंद हैं जो दरगाह शरीफ पर आते हैं। तो चलिए मज़ार शरीफ के पास सीधा चलते हैं और दुरूद सलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए अंदर चल के सलातो सलाम पढ़ते हैं। तो नाज़रीन ये कुछ ऐसी मज़ार शरीफ है जो आप ज़ियारत कर रहे हैं, सिरहाना कर वही सिरहाना वहाँ वो ही तरफ चलेंगे। तो ये मज़ार शरीफ है, आप सबके लिए इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, बने रहिए। सलातो सलाम शुरू करते हैं। صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی محمد یا نبی سلام علیک يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا خواب میں ایک روز آئے شکل نورانی دکھائے عید ہم اس دن منائے با ادب ہو کر سنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر
पहले कुछ नाते सुना कर फिर कहे सर को झुका कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका वास्ता माला अलैका वास्ता علم دو احمد رضا کا یا نبی بھی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا تقبل منا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا آمين غوث اعظم مددي بيسر قبل ایدی مدد قعب ایدی ما مددی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم بفضلک عنا سواك یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم تیرے فضل و کرم سے تیرے انعام و اکرام سے ہم سبوں میں مل کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھا مولا کریم اس کے علاوہ فاتحہ خوانی کی گئی اس میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو چکی ہے حبیب کے صدقے سے معاف فرما آمین مولا کریم جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر قبول فرما آپ کے صدقے سے تمام بیا کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مستحقین خلفائے راشدین بزرگان دین محققین مفسرین جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر قبول فرما تمام کے صدقہ و دفع سے خصوصیت کے ساتھ جس دربار میں حاضر ہیں حضرت سید مدار شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم حضرت مدار شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما جو جو لوگ یہاں پر جو جو منتیں اور مرادیں لے کر کے آئے ہیں تمام کی منتوں اور مرادوں کو پورا فرما جو قرض دار ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو شادی کے لیے مولا کریم رشتے کی تلاش کر رہے ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمم اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے جن جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی نیک جائز مرادیں ہیں تمام کی مرادوں کو تو اپنے حبیب کے صدقے سے پورا فرمم مولا کریم اس دعا کو اپنے محض نقطہ کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کے پیسے قبول فرما صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم
नाज़रीन अज़ान हो रही थी, इसीलिए जो है दुआ भी मुख्तसर, सलामी मुख्तसर किया, क्योंकि ये मगरिब का वक्त हो गया था, हमें निकलना भी था और थोड़ा सा वीडियो शूटिंग अभी भी बाकी है इस दरगाह शरीफ की, और सोचा कि आपको इस दरगाह शरीफ की जो है मैं लाइव ज़ियारत करवा दूँ। तो कई कमेंट्स आ रहे हैं, नसीहा फातिमा ने कमेंट किया, वालेकुम अस्सलाम, सलमा सलमा ने कमेंट किया है और पाशा ने कमेंट किया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, दुआ करें इंशाल्लाह ज़रूर। मोहम्मद सिद्दीक़ इन्होंने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा सलाम अर्ज़ करो भाई अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत, इंशाल्लाह ज़रूर आपका सलाम, आप सबका सलाम मैं अर्ज़ कर दूँगा दरगाह शरीफ पर। और भी कमेंट्स आ रहे हैं, भाई वेट करो, बरकत अली इन्होंने कमेंट किया है और मुबारक एफ ने कमेंट किया, वालेकुम सलाम, इकबाल पाशा वालेकुम सलाम, प्रिंस करीम साहब वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन इस ये बार का लाइव थोड़ा सा छोटा हो रहा है क्योंकि वक्त भी नहीं है, मगरिब के बाद मैंने सोचा, क्योंकि मगरिब के बाद अंधेरा यहाँ पे हो जाता है, ज़्यादा ऐसा इलाका नहीं कि अंधेरे में शूट किया जाए, इसलिए मैं सोचा जब तक उजाला है लाइव शूट भी कर देंगे, इसीलिए मैं अचानक लाइव आ गया। बरकत अली इन्होंने कमेंट किया कि मैं दरगाह पे आ रहा हूँ, प्लीज़ वेट करो, इंशाल्लाह आ जाइए आप, मैं हम मगरिब पढ़ करके यहाँ से जाएँगे, थोड़ी देर में अभी निकलेंगे यहाँ से। एस डी अमीनुद्दीन अहमद इन्होंने कमेंट किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और दुआ करें हमारे लिए भी इंशाल्लाह ज़रूर। मुबारक एफ ने कमेंट किया, हमारे लिए दुआ जल्दी से करें रिश्ते के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर मुबारक एफ, इंशाल्लाह आपके रिश्ते के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। लूज़र गेमिंग इन्होंने कमेंट, वालेकुम अस्सलाम। फैज़ा पादरी इन्होंने कमेंट किया, हमारे लिए भी दुआ कीजिए मदीने की हाज़िरी के लिए इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ की जल्द से जल्द और बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए और मदीना शरीफ ही में हम सबको मौत नसीब फरमाए। एस एम आर एन 92 इन्होंने कमेंट किया कि भाई हमारे अम्मी के लिए दुआ करें इंशाल्लाह ज़रूर, आपकी वालिदा साहिबा के लिए दुआ करेंगे, प्रिंस कलीम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। एम डी नेहा इन्होंने कमेंट किया, वालेकुम अस्सलाम, दुआ करो मेरी अम्मी के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। इकबाल बादशाह इन्होंने कमेंट किया है कि मेरे लड़के की रोज़ी के लिए दुआ करें इंशाल्लाह ज़रूर। तो नाज़रीन आज की ज़ियारत हो गई इंशाल्लाह, ये वीडियो जो है उनकी शफा। तो नाज़रीन ये वीडियो सिर्फ आज लाइव ज़ियारत आपने की इंशाल्लाह, चंद दिनों में इंशाल्लाह फिर इस दरगाह का ऑफिशियल वीडियो जो है चैनल पे मैं रिलीज़ करूँगा, जिसमें आपको सुकून के साथ मुकम्मल दरगाह की आप ज़ियारत भी करेंगे। इसके अलावा जो है जो भी दरगाह शरीफ की करामतें और जो भी यहाँ की डिटेल्स मुझे मिलती हैं उर्स वगैरह की तारीख, मैं इंशाल्लाह उस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो तहसीना इन्होंने कमेंट किया, वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वक्त हो चुका है मगरिब की नमाज़ का, हमें भी मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, आप भी मगरिब की नमाज़ जल्द से जल्द अदा कर लें। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह से दुआ है कि मौला के अपने वलियों के सदक़े में हम सबको सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।